ये इधर बीच में खाली है भाई, ऊपर दिखाओ ना तुम थोड़ा मॉडल। स्टॉक सप्लाई 80% मिलेगा अपने को, स्टॉक सप्लाई मिलना चाहिए, मिलना चाहिए 80% मिलना चाहिए 80% मेन लाइन रिटेलर को। स्कीम मैच करके दो, स्कीम मैच करके दो, वन नेशन वन स्कीम, एमओपीडीपी मैच करके दो, वन महाराष्ट्र वन डीपी, वन नेशन वन स्कीम। वी वीओ का वी उल्टा करो ऐसा, अभी बात बनने वाली है, बात बनने वाली है तो ऐसा नहीं बनने ऑफिस पर किस लिए आए? नमस्ते, सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन करता हूँ। मैं आमरा का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट अजीत जगताप, ये हमारे जुजर भाई, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट संतोष भाई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट महेश भाई और पूरा औरंगाबाद का टीम है। हमारा हक्कानी जी यहाँ के प्रेसिडेंट, 10 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आज 200-300 के करीब लोग यहाँ पे आए वीओ ऑफिस में। और यहाँ आने का मेन कारण ऐसा है कि वीओ पिछले 3-4 महीने से यहाँ का रिटेलर का शोषण किया जा रहा है। शोषण किस माध्यम से किया जा रहा है तो उनको स्कीम नहीं दिया जा रहा है, उनका प्रॉफिट कम किया जा रहा है। लोग अपने बिजनेस बचाने के लिए, अपना व्यापार बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए यहाँ पे आए। और लोगों का और रिटेलर्स का यही डिमांड है कि अच्छे से उनको स्कीम मिले ताकि वो मार्केट में कम्पीट कर सकते, उनको स्टॉक मिलना चाहिए। आज भारत के रिटेलर को ही स्टॉक नहीं मिल रहा। ये कंपनियां, हम इनको बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि रिटेलर्स को, अगर रिटेलर्स भारत में 80% बिजनेस करते तो 80% स्टॉक रिटेलर को मिलना चाहिए, पर यहाँ पे 10-20% स्टॉक दे के रिटेलर को फंसाया जा रहा है, रिटेलर का नुकसान किया जा रहा है। तो हमारा स्ट्रांग डिमांड है कि पूरे भारत में वीओ का एक ही पॉलिसी चाहिए, पूरे भारत में रिटेलर्स को 80% स्टॉक मिलना चाहिए और पूरे भारत में जो स्कीम है वो सिमिलर होके रिटेलर का नुकसान से बचाना चाहिए और रिटेलर्स का आने वाला जो समय उसका अच्छा जाना चाहिए, उसको बिजनेस मिलना चाहिए ताकि वो अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना व्यापार अच्छी तरह से कर सके। वही रिक्वेस्ट लेके हम वीओ के ऑफिस में आए थे, पूरा हमने मीटिंग किया और जल्दी इस मीटिंग का नतीजा निकलेगा। अगर प्रॉपर नतीजा नहीं निकला तो हम सब रिटेलर्स मिलके, जो 1000 रिटेलर्स ये क्लस्टर में काम करते वीओ के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन देंगे कि उसका एक इम्पैक्ट पूरे इंडिया में होगा और रिटेलर्स को पूरे इंडिया में उसका न्याय मिलेगा। मैं वीओ इंडिया और क्लस्टर हमारा औरंगाबाद, हमारे प्रताप सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो मीटिंग हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि इसका हर जो जो आपने कमिट किया है और जो जो बोला है आपने कि 24 घंटे में राइटिंग में मेल आएगा, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आप ही के साथ में रहे। इतने साल से हमने बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी मांगें पूरी करेंगे। ये पूरे विश्वास से आज हम जा रहे हैं यहाँ से और ये हम श्योर कर रहे हैं आपको कि आप हमें न्याय दीजिए, हमें हमारा सारा परसेंटेज दीजिए जो हम मांग रहे हैं, वो हमें प्रॉफिट दीजिए। हम हमेशा वीवो के साथ थे, आगे भी रहना चाहते हैं अगर आप हमें साथ देंगे तो। थैंक यू वेरी मच। कंपनी ने अगर आपको आपकी मांग पूरी नहीं की तो आप क्या करेंगे? क्या उनको आपका वो, हम सारे एसोसिएशन के मेंबर सब बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हमें कोई भी हम गलत स्टेप लेंगे तो हमें बहुत दर्द होगा। हमें पूरा विश्वास है वीवो इंडिया और वीवो के प्रताप सर से कि इस ये हद तक की नौबत आएंगी नहीं। आज हमारा मीटिंग बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली पूरा हुआ है और हम थैंक यू बोलते हैं हमारे एसोसिएशन को, एमरा को, कि जो हमारे को एक अच्छा तरीका सिखाता है कि अच्छे तरीके से जाके बैठ के बात करो, डायलॉग करो, तुमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम थैंक यू हमारे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन का भी बोलना चाहते हैं और हमारे अध्यक्ष का भी, हमारे प्रेसिडेंट अजीत भाई जगताप का भी थैंक यू बोलना चाहते हैं जो अहमदनगर से हमारे क्लस्टर का जो मुद्दा था, हमारी जो तकलीफें थी इसके लिए आए सारे पूरे व्यापारी लोगों की तरफ से थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जूजर आदम अली दोराजी वाला, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी।